हाँ ये बहुत अच्छा, ये बहुत आपसे मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि आपका इतना अच्छा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, तो हम सभी आपसे इस बारे में जरूर जानना चाहते हाँ ये आपने लिखा भी था फेसबुक पे। मैं हैं। जी। बस ये देख लेता हूँ इसके बाद वाला कौन सा द्वादश हमसा बचा हुआ है इसके बाद। ठीक है कोई बात जी 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 नहीं। ये घिमशामशा कुंडली है, ये रिलीजियस, ये धर्म और आध्यात्म के लिए देखा जाता है। जी ये बहुत जरूरी कुंडली है, अगर कोई धर्म या आध्यात्म में तरक्की चाहता है तो ये कुंडली बहुत जरूरी है। जी ये नवाम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुंडली है ये मेरे अनुसार, जिसको कोई देखता अच्छा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जी। तो अभी हम जब ये कुंडली के अनुसार हम मंत्र वगैरह सजेस्ट कर सकते हैं अभी। अच्छा जी। हाँ तो अभी हम देखते हैं कि इनके लग्न में क्या बैठा है, लग्न में कौन है, लग्न का स्वामी कौन है, क्या हो रहा है, ये सब हम पहले देखते हैं। जी तो अभी देखिए सबसे पहले सूर्य नारायण बैठे हैं यहाँ पे। जी और मैं सामान्य तौर पे ग्रहों की बातें नहीं करता हूँ, जैसे सूर्यदेव या शुक्रदेव या ऐसी बातें मैं नहीं करता, मैं डायरेक्टली वो उनके जो विष्णु अवतार है ना उस पर चला जाता हूँ। अच्छा जी हाँ तो अभी जैसे आप देख रहे हैं सूर्य जो है वो सूर्य तो पता है कि अवतारों में सूर्य राम है, विष्णु अवतारों में राम है। ठीक है जी तो ये जो लग्न जो है उनका, लग्न में जो ग्रह बैठा है ना वो बताएगा कि किन 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 देवताओं से या किन अवतारों से उनका रुझान ज्यादा हो सकता है। और ये जो है आपका बुध जो ये है ना आपका, आपका फ्रीज हो गया, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ सुनाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ, एक्चुअली नहीं सुनाई दे रहा था, फिर से थोड़ा रिपीट करेंगे काइंडली। ठीक है कोई बात। लेफ्ट जी हाँ तो मैंने क्या कहा कि लग्न में जो ग्रह बैठा है ना वो कैसा है, किस घर का स्वामी है, या वो किस विष्णु के किस अवतार को दर्शाता है, जी वो अगर हम समझ जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि ये आदमी के आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सकती है, क्योंकि वो पूरा कुंडली को चला रहा है, लग्न में बैठा है ना, वो राजा है वो। तो जी सबसे पहले इसका सूर्य लग्न है, तो अर्थात कि रामचंद्र का पूजा पूजा करना बहुत जरूरी है इनके लिए, राम का कोई मंत्र जाप करना उस टाइप का कुछ नहीं। इसके अच्छा जी अलावा जी देखिए ये तीसरे घर का स्वामी है, ठीक है, और तीसरा घर ये कुंडली में बहुत 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 जरूरी होता है, क्योंकि वो दीक्षा का भाव होता है, क्योंकि गुरु उपदेश है तीसरा घर, अच्छा वो गुरु उपदेश परंपरा से जुड़ता है आपको, आपकी आपका जो दीक्षा होता है ना उससे उससे संबंधित है ये घर, तो जी। ये बहुत जरूरी। तो मतलब क्या है, तीसरे घर का स्वामी लग्न में बैठा है, मतलब जी उनको आपको देखते ही बोलना पड़ेगा कि कोई ऐसे संप्रदाय से आपको दीक्षा लेनी है जहां पे राम का पूजन होता है 24 आवर्स। ओके ये तो ओके करना ही है आपको, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, जी बाकी हम जी बाद में देखेंगे। जी जी अभी जो पांचवा घर है ना, पांचवा जी घर ये बताता है कि ठीक है वो तो करेगा लेकिन वो माहौल कैसा होगा, मतलब समझ रहे। जैसे जैसे ओके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शुक्र बैठा है, जैसा राहु केतु तो शुक्र तीनों, और शुक्र मूल त्रिकोण का है तो वो सबसे ताकतवर है, तो जी मतलब शुक्र बहुत जरूरी हो जाता है, मतलब शुक्र मतलब जो धर्म पत्नी है, समझ रहे। तो जी यहाँ पे राम अकेले नहीं, जैसे सीताराम दोनों होने चाहिए। ओके अच्छा जैसे अच्छा कुछ कुछ अच्छा अच्छा जगहें हैं, कुछ कुछ जगहें हैं जहाँ पे लक्ष्मी देवी का खाली पूजन होता है अकेले, कुछ जी कुछ जगह है जहाँ पे राम का अकेले पूजन होता है या कृष्ण का, लेकिन जी कुछ कुछ जगह है जैसा राधा कृष्ण या रुक्मिणी कृष्ण या सीताराम का साथ में होता है, तो इनको वो वाला ज्यादा सूट करेगा। जी ठीक है
इसके बाद इनका जो लग्नेश है ना वो भी देखेंगे। बुध जो है ये चला गया है आपके कर्क राशि में, और कर्क राशि तो आप जानते हैं चंद्रमा का है वो, और चंद्रमा के जो अवतार है वो तो कृष्ण भगवान है, चंद्रमा के जो अवतार है। जी तो बेसिकली इनका जो पूरा लाइफ पाथ है ना वो राम और कृष्ण और लक्ष्मी राधा इनके आजू बाजू घूमता रहेगा, ये पूरा जो जी इनका स्पिरिचुअल लाइफ है इसी के बीच घूमता रहेगा। लेकिन इसमें एक समस्या है, एक गंभीर समस्या है, ये इनका जो तीसरा घर है ना, जी तो अभी देखिए तीसरा घर का स्वामी लग्न है मतलब दीक्षा लेना बहुत जरूरी है इनके लिए, लेकिन इनका जी तीसरा घर में शनि बैठा हुआ है, जी ठीक है। तो शनि यहाँ पे जैसा आपका अष्टमेश है नवमेश है, तो नवमेश का तीसरे घर में रहना बहुत अच्छा है, लेकिन ये अष्टमेश जी भी है और एक पाप ग्रह है ना, स्वयं में तो पाप ग्रह है ये, मतलब जी पाप ग्रह सभी जानते, तो इसके वजह से इसको दीक्षा लेने में बहुत समस्या हुआ है। अच्छा हाँ, और जैसे आप देखेंगे ना कि तो मतलब बात ऐसा हो गया कि आपको कोई एक चीज चाहिए उसके बिना आपकी प्रगति नहीं हो सकती, और वही चीज आपको नहीं मिल रही। जी और ये आप देखेंगे ना, ये आठवें घर का स्वामी है शनि जो है, हाँ इनके साथ क्या हुआ है ना, 3 बार इनका दीक्षा होने वाला था, इनके गुरु जो दीक्षा देने वाले थे, लेकिन तीनों बार ये बीमार पड़े हैं। जी बीमार पड़ने की एट शनि हाउस जी और जी एट शनि हाउस ऊपर डिले से भी बीमारी बहुत का, करा देता है। हाँ, जी 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 और शनि ऊपर से है भी बीमारी का, वो नैसर्गिक कारक है, नहीं भी बिल्कुल शनि तो बिल्कुल बुढ़ापे बीमारी ये सब का कारक ही है, तो उसके वजह से इनको बहुत बहुत मुश्किलें हुई। इनको 3 बार होते होते इनका वो, उनको जब गुरु दीक्षा देने आते हैं तो 2-3 साल में एक बार आते हैं, तो उनका नाम बार बार रिजेक्ट हो जाता था, अच्छा बोलते थे कि अरे अभी 3 महीने बाद गुरु जी आएंगे, मैं तुम दीक्षा लोगे इस बार, बोले हाँ मैं तो रेडी हूँ मेरा नाम डाल दीजिए, और 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले अरे मैं तो हॉस्पिटल आ गया अब मैं कैसे आऊँ दीक्षा लेने। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है इसमें। उसके बाद हमको जो नैसर्गिक गुरु है ना जुपिटर, वो भी देखना है हमें, गुरु की स्थिति क्या है। जी गुरु गुरु की जो स्थिति है ना, गुरु का मैंने देखा है जैसा कलयुग में, जैसा ये हमारे भागवत में एक श्लोक है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समान स्तम नमामि हरिम परम, एक श्लोक है कि ये मतलब ऐसा है कि कलयुग में जो है ना वो कोई भी आध्यात्मिक काम अकेले करना बहुत मुश्किल है, लोग थोड़ा टाइम अच्छा करके फिर छोड़ देते, क्योंकि कलयुग में जैसा भागवत में कहा गया है ना कि मंद सुमंद मतयो मंद्य भाग्य उपद्रता, कि कलयुग में ना लोग बहुत, उनका जो धैर्य शक्ति है ना बहुत कम है, जी ज्यादा धैर्य नहीं है लोगों में। तो आप किसी को बोलोगे जैसा सत्ययुग में करते थे ना, जा 1 साल वन में जा मेडिटेट कर तपस्या कर, ये सब नहीं कर सकते कलयुग में, इसलिए वो श्लोक में कहा जी गया नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, इन संकीर्तन मतलब साथ में जुड़ के सत्संग में जुड़ के आप अच्छा करो, तो गुरु का और सत्संग मतलब दूसरे लोग, तो अगर 3, 7, 11 में से संबंध बन जाता है गुरु का, तो ये ओके अच्छा सबसे बेहतर, इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता आपके। हाँ, अगर अगर गुरु इन तीन में से एक में बैठा है, या इनको देख रहा जी है, या इनके स्वामी के साथ बैठा है, जी उस सिरे से आपको पता चलेगा कि ये आदमी को सत्संग वगैरह में जाने की कितनी रुचि है। जी तो अभी यहाँ देखिए इनका भाग्यवश गुरु इनके 11वें घर में बैठा है, जी और ये 7वें घर का भी स्वामी है, 7वें और तीसरे और 5वें तीनों घरों को दृष्टि दिए रखा हुआ है, ठीक बिल्कुल जी है। और इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि
कोई ग्रह अगर बहुत शक्तिशाली है ना, तो वो जो रिश्तेदार है ना, उनका भी बहुत वो रहेगा आपके जीवन पे, आध्यात्मिक उन्नति के उस पे। हाँ, अच्छा जी, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बुध जो है, बुध जो है वो दूसरे घर में है, ठीक है। जी इसके अलावा शनि जो है तीसरे घर में, तो ठीक है दोनों का पोजीशन, लेकिन दोनों ही कुछ उतने बढ़िया राशि पे तो बैठे नहीं है, शत्रु है दोनों। मतलब जी जी गुरु भी शत्रु राशि में, शनि भी शत्रु राशि में, ना तो जी केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, ना तो उच्च जी के हैं वो। तो इसीलिए इनका माता पिता का क्या बहुत बड़ा रोल रहेगा इनके आध्यात्मिक उन्नति में, ऐसा तो नहीं रहेगा इनका। जी जी इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि इनका सातवां घर कैसा है। सातवां घर ये बताएगा कि जी आपका जब विवाह होगा ना, तो क्या होगा आपका। जैसे जी कुछ लोग का होता है कि विवाह से पहले वो बहुत आध्यात्म में बहुत रुचि रखते, जैसे ही विवाह हो जाता है सब खत्म हो गया उनका, स्वाहा हो ऐसे जाता है जी लेके ना पानी जी डाल दिया किसी ने। गुरु जी सोचते रहते कहाँ ये शादी हो गया तो गया, ये गायब हो गया एकदम, पता नहीं कहाँ जी गया जी है। और कभी कभी उल्टा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उनका जो पति होता है या जो धर्म पत्नी होती है, वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति किया हुआ होता है, तो शादी होने के बाद पूरा आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो जाता है। जी तो उस केस में हमको ये देखना पड़ता है कि सातवां घर का कैसा, सातवां घर का तालमेल कैसा बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सातवां ऐसा घर खुद ही गुरु गुरु स्वामी है, इसे जी सप्तमी 11वें में गया है। तो जी अभी इनके साथ क्या हो ना, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनका। तो इनके जो गुरु है, ये मतलब एक संस्था से इन्होंने दीक्षा लिया हुआ है, लेकिन अच्छा इनकी जो धर्म पत्नी है, वो भी उनकी जो भी वो भी उसी संस्था से ही आई है, धार्मिक अच्छा संस्था से, लेकिन उनके गुरु दूसरे है। तो ओके अभी क्या होता है, इनके गुरु का ना, दोनों के जो गुरु है उनका ना, साल में एक एक यात्रा निकलता अच्छा है। हाँ, एक का यात्रा होता है जहां तक मुझे याद है अक्टूबर नवंबर में, और एक का यात्रा अच्छा होता है फेब्रुअरी मार्च में। तो अभी क्योंकि ये सप्तम इसका संबंध बन गया ना 3/7/11 से, तो जी अभी ये बोले कि पहले मैं साल में एक यात्रा में जाता था, अभी दो यात्रा में जाता हूँ। जी क्योंकि अगर मैं अपने में चला गया तो मेरी बीवी छोड़ेगी नहीं मुझे। सही बात है तो पहले इन्होंने डिसाइड किया था कि ऑल्टरनेट ईयर पे, ऑल्टरनेट यात्रा पे जाएंगे, तो इस साल मेरे यात्रा में जाएंगे, नेक्स्ट ईयर तुम्हारे यात्रा में जाएंगे, लेकिन बाद में वो तालमेल बन नहीं रहा था। जी तो अभी क्या हो, डबल हो गया उनका। तो ये एक एग्जाम्पल है कि, और ये गुरु जो है ना, ये नव शनि को दृष्टि डाले हुआ है, नवमेश जो शनि है, तो मतलब कि शादी होने के बाद इनका गुरुओं में वृद्धि हो गया। गुरु जहाँ दृष्टि डालता है वृद्धि देता है, तो नवमेश में दृष्टि डाला है, मतलब गुरुओं का जो सत्संग का जो वो बढ़ गया, देख रहे हैं एक से डबल बढ़ हो गया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, अभी तो नेक्स्ट सवाल ये है कि लोग मान लीजिए इनका संतान आ गया, ठीक है। तो संतान आने के बाद क्या होगा, इनका आध्यात्मिक उन्नति होगा कि पतन हो जाएगा इनका। तो अभी पंचमेश जो है इनका, शुक्र है वो स्व राशि में है, ठीक है, राहु जी केतु के साथ है, तो थोड़ा मुश्किल आ सकता है, लेकिन वो स्व राशि में, मूल त्रिकोण में, तो बहुत बढ़िया है वो, और उसके भी गुरु जी की डाले हुआ है। बिल्कुल हाँ, तो संतान आने के बाद भी इनका जो आध्यात्मिक उन्नति है वो आगे ही जाता रहेगा, ऊपर ही जाता बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल उसमें जी। उसमें कोई रुकावट नहीं है। हाँ, इनको बस हाँ धीरे मुझे धीरे मुझे करना मुझे लगता है कि और बढ़ भी सकता है, है। हाँ, क्योंकि डेफिनेटली। शुक्र शुक्र भावजी जी इनका कुंडली में शुक्र जो है 5th हाउस में है राहु केतु, और राहु केतु तो आध्यात्मिकता को मतलब थोड़ा सा उसमें अभी जिस पैटर्न में ये आध्यात्मिकता को अपनाए हुए हैं उस पैटर्न में चेंज हो सकता है,
मंत्र वगैरह पे ज्यादा फोकस हो सकता है और थोड़ा भक्ति मार्ग की तरफ और ज्यादा जा सकते हैं जब इनका फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। जी, हाँ, और ये एक्चुअली भक्ति मार्ग में ही है, क्योंकि इनका अब लग्नेश बुध देखेंगे ना, जल जल राशि में है वो, बिल्कुल मार्ग में ही है, भक्ति मार्ग में जी ही जी रहे हैं हमेशा। तो जी 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 ऐसे हम देख सकते हैं कि इन चीजों से क्या इनका लाभ होगा। और इन्होंने एक वो बड़ा पेचीदा चीज मुझे बताया कि इनकी, और इनका जो गुरु जो है ना, दशमेश भी, आप देखिए 10वें घर का भी स्वामी है। तो जी ये मुझे बोले हैं कि बड़ा हैरानी वाली बात है कि उनके ये वहां पे गुड़गांव है ना, गुरुग्राम जो, वहां पे नौकरी करते हैं। तो अच्छा जी उन्होंने बताया कि ऐसा हमेशा ही होता है, इनके जो बॉस या जो सीनियर होता है ना, कोई भी, हमेशा ही कोई ना कोई, या तो कोई वृंदावन जाता रहता है, या तो ना कोई या तो कोई अच्छा मथुरा जाता रहता है, या तो अयोध्या जाता रहता है, या तो ना बनारस जाता रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है। मतलब पूरे मेरे फैमिली में किसी के साथ ऐसा नहीं होता। बाकी जी इनके जी जितने भाई बहन है, उनके जितने पति पत्नी या बच्चे या बॉस या ना जितने भी संबंधी है इनके, सबके वैसे है कि चलो यार अब तो शनिवार आ गया है, गोवा चलते हैं है ना, वहाँ शराब पियेंगे, मीट खाएंगे, ऐसा ऐसा कुछ कर, जी इनका जी पूरा अलग है। जी 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 तो इनके लिए वो बहुत बढ़िया साबित हुआ इनके लिए। और इनको इनको वो ये जो चंद्रमा इनका उच्च का चंद्रमा जी, चंद्रमा तो इनको, इनका बड़ा स्ट्रेटजिक है, वही मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। देखिए, चंद्रमा लग्नेश चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा खुद 12वें में बैठे हुए हैं और उच्च के हैं, तो 12वां भाव तो मोक्ष स्थान भी है नॉर्मल कुंडली में, तो यहाँ पर भी 12वें से किस तरह से हम लोग चंद्रमा का 12वां बैठना क्या सिग्निफाई करता है। हाँ, चंद्रमा का 12वां यहाँ पे उच्च का है। तो मैंने इनसे जी पूछा था तो इन्होंने कहा था कि ये जब भी किसी विदेश में जाते हैं ना, हमेशा ही किसी कृष्ण भगवान की किसी ना किसी का हमेशा 100%। जी और क्योंकि ये मंगल भी बैठा है तो थोड़ा बहुत ब्रह्मचर्य फॉलो करना पड़ता है, मतलब उनकी पत्नी नहीं आ सकती उनके साथ किसी वजह से, इन्होंने बोला है। हमेशा ही ऐसा होता है ना, अकेले हाँ रहता है। और क्योंकि वो गुरु मंगल का जी जो, गुरु मंगल नहीं सॉरी, वो शशि मंगल योग बोलते ही है, चंद्र और मंगल साथ में, तो बहुत बढ़िया योग होता है। तो बोलते हैं कि मैं जब भी जाता हूँ ना बाहर कहीं अकेले जाता हूँ, और पूरा मैं जाके खो जाता हूँ बोलते हैं। क्योंकि तो थोड़े टाइम के लिए उनके जो जी सांसारिक चीजों से, ऐसा कह सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मुक्ति मिल जाती है उनको। अच्छा तो ये बहुत और इनका आध्यात्मिक प्रगति बहुत बढ़ जाता है। और इनके इनके इनकी जो पत्नी के जो गुरु है ना, वो बाहर से आए हैं, विदेशी है, अच्छा अच्छा और अच्छा उनसे भी बहुत अच्छा संबंध है इनका, और उनको भी मिलने कभी कभार वो विदेश जाते रहते हैं। उनके गुरु तो नहीं है, उनके गुरु जैसे ही। हाँ हाँ, तो मैंने देखा है कि जैसे लग्नेश अच्छी स्थिति में हो या गुरु इनका अच्छा हो, चंद्रमा अच्छा हो, तो ऐसे लोग बहुत तरक्की करते हैं आध्यात्मिक। जी और अच्छा लगन केतु लगन जी, बोलिए। केतु के बारे में कुछ बताइए। केतु क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, खासकर रिलीजियस या मोक्ष कारक ग्रह है, तो केतु के विषय में, जैसे इस चार्ट में तो फिफ्थ हाउस से संबंध है, फिफ्थ इलेवेंथ से हो गया, ऐसे केतु कहाँ पर बैठे हैं तो बहुत अच्छा हमको मानना चाहिए। जैसे मूल कुंडली में तो बर्थ चार्ट में हम लोग 12th और 9th में अच्छा मानते हैं, और मैंने देखा है जैसे भगवान श्री कृष्ण की कुंडली आप देखिए तो 3rd में उनका राहु और 9th में केतु था। सिमिलरली जीसस क्राइस्ट की कुंडली में भी 3rd राहु 9th केतु था, तो केतु के विषय में अगर कुछ थोड़ा आप बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा।
हाँ, केतु का मैंने इस विषय में देखा, अगर क्योंकि ये वर्ग चार्ट है तो यहाँ राहु केतु हमेशा ही साथ में बैठेगा। जी। हाँ, तो मैंने ये देखा है कि केतु अगर अग्नि या जल तत्वों में होता है ऐसे जी में, तो क्या होता है ना, आदमी को आध्यात्मिक की ओर जाने के लिए कोई चीज छोड़ना नहीं पड़ता है। अच्छा जी लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये बड़ा पेचीदा है, ये तो तुला राशि में बैठा है, ऊपर से वो नैसर्गिक सप्तम भाव का राशि है। हाँ, जी। तो यहाँ शुक्र राहु तो बहुत खुश है तुला में लेकिन केतु उतना खुश नहीं है वहां पे। जी। तो केतु जिस राशि में है ना या जिस घर में है, ये वो बता सकता है कि कौन सा वो घर है जिसके परे हमको जाना है, कौन सी राशि है जिसके परे हमको जाना है। हाँ, अच्छा कौन से वो अनर्थ है जिन पे हमको विजयी होना है। तो ये जैसा तुला राशि तो पता ही है, तो काम भाव का है, जी तो काम क्रोध लोभ मोह मदा मत्सर, उसमें से जी इनको वो जो कामुकता है उस पे इनको वो कंट्रोल करना बहुत बचना है। जरूरी रहेगा इनके लिए। जी। इसके परे उनको जाना है, तो मतलब उनको खास ऐसे मंत्र सिद्धियां वगैरह करनी पड़ेगी जिससे उनका ना वो जो वैसी इच्छाएं है, काम भावनाएं है, वो उनका कंट्रोल में रहे, वरना मोक्ष या आध्यात्मिक उन्नति उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। जी, और वो बहुत आदमी पे सही। डिपेंड करता है कि वो खुद कितना इंटरेस्टेड है। तो मैंने देखा, अगर केतु अगर बुरी भाव में, बुरा बुरा जैसा, अगर मान लीजिए कोई जैसे ये ना तुला में बैठा है, लेकिन इनका जो पूरा कुंडली है ना वो आध्यात्म के लिए बहुत बढ़िया है, तो तब क्या अच्छा होता है कि ये केतु का जो ये समस्या है ना, ये बहुत खटकता रहता है उस आदमी, क्योंकि वो आगे जाना जी चाहता है लेकिन ये है कि उसको ना एकदम पीछे से ऐसे रोक रहा है। लेकिन अगर जी ये कोई आम आदमी होता है तो जी तब तो उसको को फील ही नहीं होता ये केतु मेरा खराब है अच्छा है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है अध्यात्म के बारे में, उसने कुछ किया ही नहीं है, तो उसको कहाँ से पता चलेगा मेरे में काम भावना ज्यादा है, ये है वो है, मुझे मुझे जाने से रोक रहा है। जी तो जब भी कोई मुझे बोलता है ना कि ये चीज ना बहुत तंग कर रहा है मुझे, मतलब क्या वो उससे दूर जाने का कोशिश कर रहा है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, लेकिन वो कोशिश शुरू कर दिया है तो धीरे धीरे वो उससे क्रॉस कर जाए। तो केतु का प्लेसमेंट है तो बहुत इम्पोर्टेंट, जी। और केतु और गुरु का कोई संबंध बनता है ना, तो मैंने देखा है मतलब सत्संग वगैरह तो जाना ही चाहिए, उसके बिना आध्यात्मिक उन्नति बहुत मुश्किल है। यहाँ पे गुरु गुरु केतु जैसा आमने सामने देखी। हमने सामने जी। हाँ, तो ये मेरे बहुत चहेते दोस्त हैं, इनमें से एक है, और अच्छा। ये बहुत ही अच्छे इंसान है, इनका लग्न कुंडली देख सकते हो तो अच्छा था तो जी। अभी हम चले जाते हैं द्वादश आमसा पे, जो आखिरी होगा हमारे। जी तो ये D12 है, ये द्वादश आमस,